हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। आज हम लोग बात करेंगे जो मैं टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, दो चार मिनट का जो मेरा वीडियो बनता है उसका अगला टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है जॉगल और चेयर। जॉगल होता क्या है और चेयर क्या होता है। देखिए, एक स्टील जो होता है उसके बाद दूसरा स्टील बार जो होता है लैपिंग करते हैं, ठीक है, लैपिंग जो करते हैं, तो ये जो पार्ट है ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये जो था, ठीक है, जो थोड़ा क्रॉस दिख रहा है वो होता है जॉगल। उसको क्या बोलते हैं? जॉगल बोलते हैं। नोट देखें क्या, 32 डायल से ऊपर वाले स्टील में वेल्ड और कपल प्रोवाइड करते हैं, लैपिंग नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ पे 12 mm, 8 mm, 16 mm इसका जो होता है ना, तो इस स्टील का क्या करते हैं? लैपिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन 32 डायल से ऊपर वाला स्टील का क्या करते हैं? लैपिंग हम लोग नहीं करते, उसमें क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं या फिर कपल जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जॉगल समझ में आया? जॉगल क्या होता है? ये जहाँ पे लैप होता है, ये अगर का क्रॉस रहता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉगल बोलते हैं। और जॉगल का लेंथ किस तरह से प्रोवाइड करते हैं मैं पीछे बता चुका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, चेयर। चेयर क्या होता है? वो बैठने वाला चेयर नहीं होता है। चेयर होता क्या है कि जैसे मेरा एक बीम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्टील बार लगेगा और ऊपर में और नीचे में भी क्या होगा? स्टील बार लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टील बार दूसरे स्टील बार के क्या हो, टच में नहीं आए, सटे नहीं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? चेयर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? चेयर प्रोवाइड करते हैं। और चेयर प्रोवाइड इसलिए करते हैं ताकि एक स्टील दूसरे स्टील को क्या करे, डिस्टेंस बना के रखे जितना हम लोग को चाहिए। और इसलिए डिस्टेंस बना के रखे, जब हम लोग उसमें कास्टिंग करेंगे, कंक्रीटिंग करेंगे, तो कंक्रीट क्या हो, अच्छे से फिल हो, ठीक है, और ये दोनों अपर बार और लोअर बॉटम बार जो होता है एक दूसरे से सटे नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चेयर प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। और चेयर हर एक मीटर पे हम लोग जैसे स्लैब बना रहे हैं, तो स्लैब में हर एक मीटर पे क्या करता है करना है? चेयर प्रोवाइड करना है, ताकि क्या हो, नीचे वाला जो बार रहता है वो ऊपर वाले के बार को क्या करे, डिस्टेंस बना के रखे, हटा के रखे, ताकि कंक्रीटिंग अच्छे से हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? चेयर प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं क्या एक पॉइंट क्या, देखिए यहाँ देखिए मैंने चेयर प्रोवाइड किया, थोड़ा सा बताया आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या है? पिन। देखिए पिन का भी वही काम होता है। मान लेते हैं क्या, एक स्टील बार है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा स्लैब था, ठीक है, ये स्टील बार है, ठीक है। अब इसके बीच में भी जितना डाया का ये स्टील बार यूज कर रहे हैं, उतना डाया का ही क्या करेंगे इसमें, बीच में इस तरह से लंबा करके डाल देंगे, ठीक है, हॉरिजेंटली क्या करेंगे इसमें डाल देंगे। इसलिए डालेंगे, यहाँ भी वही काम करता है कि ये लोहा और ये लोहा, ये बार और ये बार का हो, क्या हो, एक दूसरे के टच में ना आए, एक दूसरे में सट ना जाए। अगर सट जाएगा तो क्या होगा, कंक्रीटिंग कास्टिंग अच्छे से क्या होगा, नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पिन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, पिन का मतलब क्या हुआ, जितने डाया का हम लोग यहाँ पर जैसे रॉड यूज हुआ है, उतने डाया का क्या हो रहा है, पिन क्या कर रहा है, यूज़ करके उतना डिस्टेंस बना के रखा ताकि कंक्रीटिंग अच्छे से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखा, जितने डाया का बार होगा उतने डाया का पिन यूज़ करते हैं। पिन और मैं लाइव में जो दिखाऊंगा ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि पिन क्या होता है, ठीक है, और चेयर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और पिन कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। पिन ज़्यादातर क्या होता है, बीम जब बनते हैं ना, तो बीम में क्या होता है, बॉटम बार में क्या होता है, दो सरिया होता है ना, तो दो सरिया ऊपर नीचे रहता है, तो उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या हो, कंक्रीटिंग अच्छे से हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।